सर्व गोस्वामी की जय, समाधि की जय। एक भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु जी के पहले इनके साथ में लोकनाथ गोस्वामी के साथ में आए थे यहाँ, और सारे ब्रजमंडल में विशेष करके खदीर वन में इन्होंने भजन किया। विशेष करके ये गदाधर पंडित के शिष्य थे, और लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के ममेरे या कुछ भाई लगते थे, संबंध नहीं, रिलेशन। ही वॉज एनी हाउ ब्रदर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड गदाधर, ये भूगर्भ गोस्वामी पंडित, एंड ही वॉज विदाउट पेनीलेस नथिंग, एंड ही वॉज एवरीवेयर इन ब्रज मंडल सर कंप्लेंसेस विथ लोकनाथ गोस्वामी, वीपिंग, हार्ट मेल्टिंग, ऑलवेज लाइक दिस। इस प्रकार से रह करके वो भजन करते थे। उनसे हम लोगों को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, यदि भजन करने की है, कैसे गुरु की सेवा करते हैं, कैसे वैष्णव की और भजन कैसे किया जाता है, ये सीखना चाहिए। और नहीं गुरु अनुगत और भजन और ऐसा नहीं रहेगा, गिरिराज भी नहीं देंगे, वृंदावन भी नहीं देगा, ये समझ रखो। गिरिराज जी जैसे आज हमने कहा वैसा गिरिराज जी बोलेंगे नहीं, और राधा कुंड बोलेगा नहीं, वहां पर होगा क्या? त्याग्रम तुंड आए थे, वो राधा कुंड कैसे रहेंगे? मानो है बाघिनी के मुख है। तो खबरदार, ये सब भावना छोड़ करके वैष्णव यदि मारते शांते हैं तो अभी उन्हीं के अनुगत में रह करके भजन करो, नहीं तो भजन तर्जन तो होगा नहीं, रसातल में चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन सब का आदर्श लो और आदर्श ग्रहण करके भजन करो, और तुम लोग सुखी और भूगर्भ गोस्वामी की, भूगर्भ गोस्वामी को प्रणाम कीजिए। सखी बने राधा जी के चरण के ये दास श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के ये सेवक थे। मायापुर में जो विशाल मंदिर बना जोगपीठ में, द टेम्पल विच इज स्टैंडिंग स्टिल इन जोगपीठ मायापुर, और ही मेड बाय दी टू प्लीज हिज गुरुदेव, वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम, but he did. So he was a very big businessman, and he gave all his business for the that temple. Oi mandirer jonno sarvas arpan korechilen. Guru Pad Padma amader ke bolten je dekho uni koto seva korechen, kintu Prabhu Pad tar naam rakhlen shreshtha arjo, shreshti arjo. Shreshti mane kya? Dhoni धनी व्यक्ति, उधर मध्य मुनि एक पैसा प्रभुपाद के दिलें ना, जैसे तू आपनी यही सब गुली करो ताले है, तो वही टाका ते प्रभुपाद ना ने विश्व तीर्थ काज ने की करते हैं। क्या करते वो कोई पता है, प्रचार में लगा देते, और विश्व में जैसे अप्रचार हो रहा था ऐसे ही प्रचार अब होने लगता, किंतु इसीलिए उन्होंने श्रेष्ठ अर्जी दिया, कोई भक्ति का और ये उपाधि नहीं दिया उनको ने, किंतु पीछे से इन्होंने बाबा जी वेश लेकर के परम पूज्य श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज से लिया, और वहीं पर इमली तला में रहते, घर बार सब छोड़ दिया और वहीं पर रहते थे और भजन करते थे। तो उनकी जबकि परलोक हो गया तो हम लोग सब आए, और यहीं पर उनकी चिता समाधि यहाँ पर दिया गया, तो बहुत उन्होंने सेवा की। तो ये सखी चरण दास बाबा जी महाराज की, मैंने भी अपने हाथ से इनको यहाँ पर दिया है, इसलिए कुछ मेरी भी ममता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्यामा
इसलिए ये सेवा शून्य की प्रधानता है ब्रजमंडल में सबसे अधिक, और उसमें ये खूबी है शक्ति मूल स्थान है, इसलिए रूप गोस्वामी जी यही पर आते थे। हम समझते हैं कि उस समय में चार दीवारी कोई नहीं थी, कुंज थे, कुंज यहाँ नहीं रहा होगा, और उस कुंज में रहकर के और वो अपने आराध्य देव की आराधना करते थे। क्या आराधना करते थे? जो कुछ महाप्रभु से सुना उसी चीज का चिंतन करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु का आरंभ यही किया होगा। उद्गल मणि का विशेष करके दोनों नाटक ललित माधव विदर्श माधव अलंकार इत्यादि सब ग्रंथों को यहाँ से आरंभ किया, और शायद मैं यही समझता हूँ कि यहीं पर उसको पूरा भी किया। रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं जाकर मैं ये क्या क्या लिखूँ, तीच में सत्यभामा के आगे पर यह नाटक समय पत्ता अलग अलग कर, और जब महाप्रभु याचन में गए तो महाप्रभु जी ने कहा देखो दोनों का एक मत करना। उन्होंने कहा जी जी कैसे ये जान लिया महाप्रभु जी, फिर इस तरह से दो नाटक किए, फिर आकर के सभी गुरु जी यहीं से उनको प्रेरणा मिलती थी करते थे, इसलिए यही पर भेज। उसमें जी गोस्वामी छोटे से बालक थे, जिसमें ये लोग यहाँ चले आए पढ़ लिख करके व्याकरण काव्य जो कुछ था पढ़ना वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ करके, और तब नायक चले आए नित्यानंद प्रभु के चरणों की कृपा हुई, महाप्रभु जी तो प्रकट हो गए थे, और आज तुम्हारे वंश के लिए महाप्रभु जी ने स्थान दिया है वृंदावन में, तुम वृंदावन में। तो वृंदावन आने लगे, रास्ते में काशी में मधुसूदन विद्या वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य वो वहां पर रहते थे। महाप्रभु जी के मुख से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो कुछ सुना था अपने शिष्य को दिया, और वो शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे वाराणसी में जो बबायता जी और जीव गोस्वामी को उन्होंने सारे वो जो तत्व थे वेदांत दर्शन सब कुछ इस तरह से वहां से सब इसमें भी पारंगत होकर के जीव गोस्वामी आए यहाँ पर रूप गोस्वामी के चरणों में। रूप गोस्वामी के भतीजे तो थे, उन्होंने दीक्षा मंत्र दिया रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने किसी को नहीं दिया, किंतु इनको यहाँ पर मंत्र दीक्षा जो कुछ देना है दे करके और यहाँ पर रखा, और उसी जीव गोस्वामी के लिए उन्होंने वो लिखा है, फिर पिछला प्रकाश किया ओ राधा दामोदर जी का अपने हाथों से बना करके दिया, और फिर सनातन गोस्वामी ने जो गिरिराज ने जो शिला पाई थी सनातन गोस्वामी की भी अपने जीव गोस्वामी को दे दिया, दोनों के दोनों अपना अपना सब कुछ जीव गोस्वामी को दिया। इसके रूपानुभव में सनातन रूप में ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये रूपानुभव नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती नरोत्तम ये थे, इन्होंने तो स्वकीय बात की स्थापना की, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर मीमांसा कर दिया, नहीं ये गलत, इन्होंने तत्व की दृष्टि से कहा और उन्होंने कहा दृश्य की दृष्टि से, दोनों का विचार अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसीलिए थोड़ा सा उद्गल मणि दीपिका ने उन्होंने दोनों लिखी दिया, दोनों का तत्व एक है भारतीय भाव। रूप गोस्वामी का यदि विचार है तो जीव गोस्वामी का अलग से विचार नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी के प्रकट हो जाने के बाद में हमारे जीव गोस्वामी का भी यह स्थान है, और वही इसकी पूजा इत्यादि का संचालन करते थे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे, जीव गोस्वामी के लिए भी वहां पर भजन स्थल है, राधा कुंड में भी सर्वत्र ब्रजवृंदावन में रहते थे भी मूल स्थान जैसे रूप गोस्वामी का था जीव गोस्वामी, ऐसे हम बंदनीय स्थल में हम राधा कुंड में सेवा कुंड में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के चरणों में श्री राधा जी गोस्वामी के चरणों में हम ऊपर। उसी समय से ही हमारे रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बाद से उन लोगों ने अपनी परंपरा में इन गोस्वामियों को पूजा करने के लिए और सारा खास दामोदर को दे दिया, तो उसी की कड़ी में हमारे आज क्या नाम है उनका
निर्मल चंद्र गुप्त, निर्मल चंद्र गोस्वामी और उनके सुपुत्र लोग हैं कविता और शिलाजी है ना। कितने पुत्र हैं? पांच पुत्र हैं, पांचों पांडव हैं। इनके बाबा से अर्थात निर्मल चंद्र गोस्वामी के पिताजी के समय से ही हमारा बड़ा सौहार्द प्रभाव रहा है। जब मैं आता था बहुत आता था उसी समय में हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी यही बना करके अपना ग्रस्त इत्यादि लिखा यहाँ पर बहुत दिनों तक थे। उसी के नाते मैं भी उस समय में आ जाता था। इसलिए उनसे उनका नाम क्या था भाई हमारे बाबा का? गोराचंद गोस्वामी। अरे मैं आज का लड़का नहीं हूँ। मुझे 81 वर्ष हो गए। बच्चे कितनी बार अभी हम समझते हैं कि 60-70 बार तो मैंने परिक्रमा ब्रजमंडल की थी और यहाँ के चपते चपते से अवगत हूँ और सब यहाँ के प्रमाणित व्यक्तियों से हमारा संबंध रहा है। इसलिए सभी लोग जो है आकर करते स्वामी जी के साथ में आता जहाँ था तो मैं रोटी वो मिलते और मैं शेषा जी लगाते वो और ठाकुर जी को भोग लगा करके हम दोनों साथ बैठ करके पाते उसी घर कमरे में एकदम एक पैदान के पास में ही हम अपनी चादर बिछाते थे तो उस पर बैठते फटी हुई एक रजाई थी और फटे हुई गीता था और वो संपत्ति थी कैंटो भागवत का प्रकाशित किया था बस वही पूरी थी और यहीं पर दिन राम ग्रंथ लिखते थे गाँव में तब वो विदेश में जाकर के ये सब लिखा आज उनको भी यहाँ पर हम लोग नमन करते हैं और ठाकुर जी को नमन करते हैं श्री रूप गोस्वामी और श्री गोस्वामी को और गोस्वामी जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गिरिराज उनकी उत्तर बहुत कृपा है हम लोगों के साथ में उनका संबंध वैसे ही सौभाग्य मंदिर है और आगे ले जाएगा। गौ प्रणाम। आप तो लोग प्रसाद लेके जाइएगा। आप तो लोग वहाँ से प्रसाद लेंगे। क्या
भगवान के चरण में प्राप्त होना चाहिए और करना चाहिए और ठीक वैसे ही भक्ति रूप के चरण में। तो शास्त्र के जो शब्द हैं वो तुम्हारे हृदय में शुद्धि ला करके उसका अर्थ करते हैं। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तो हम ऐसे भगवान के प्रति कर रहे हैं दूर कर तो पढ़े लिखने पर ये निर्भर नहीं कर ये करता है कपड़ता के गुरु के चरण में भगवान के चरण में भक्ति जिसका ऐसा होगा वो अपने आप भगवान कृपा करके या शास्त्र ही अपने आत्मा को शुरू पाता है। आज वो ऐसा नहीं होगा जो नहीं किया है वो लाशी टकराएगा वो कुछ तब वो क्या करेगा वो इसमें बात नहीं सुनेगा उनको यथारोचित रूप में सम्मान नहीं होगा। इसलिए उपदेशा को सब समय पान करो आई थिंक इट वॉज बेटर टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ उपदेशा
हमारे प्रभु कृष्ण सब समय में दोष फिर भी ये दोष दे रही है, क्यों दोष दे रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्वाभाविक रूप में गुंजन कर रहा है पान करके फिर दूसरे खुद पकड़
मानसिक पुष्प में बहुत ही सुगंध होता है, बहुत सुगंध होता है। उसमें मधु होती है, तुलसी के मंजरी में बहुत मधु होती है, उस पर भी बैठते हैं। तो जिस प्रकार से सुंदर सुंदर मधु पुष्पों का मधु पान करके मानसी को छोड़ करके और फिर दूसरे किसी निकृष्ट फूल के ऊपर भी बैठ जाता जो पढ़ना होता है, जैसे मधु की कभी कभी स्वर्णी होती है, जानते हैं, देखा है कभी, हाँ कभी कभी स्वर्णी मधु की होती है, बहुत ज्यादा देखा है। ज्ञानी के फूल होंगे उसको मधु होता है और वो उसको बैठ करके जो मधु होता है उसमें परमार रहे। तो ये मधु, ये मधुकर पुष्पों के ऊपर में बैठ करके भी कड़वे फूलों पर भी बैठता है, ज्ञान नहीं होता कि ये कड़वा है या क्या। उसी प्रकार से आप तुम्हारा प्रभु भी हम गोपियां थी कैसी थी सुमाना सौर की व पुष्पों की भांति सुमन, वो तो सुमन है फूल और ये सुमन मैंने सुंदर मन वाली आपके प्रति सुंदर प्रेम रूपी भावना युक्त सुंदर पुष्प है। एक बार मात्र पान कराया और हमें छोड़ दिया, अथवा यही मैं कहती हूं तुम्हारा स्वभाव कोई निंदनीय नहीं है, क्यों निंदनीय है, तुम्हारा ये जीविका ही है पुष्पों का मधु रस पान कर, तो तुम्हारा पेट नहीं भरता है तुमसे थोड़ा का मधु पान करता है दूसरे पर बैठता है तीसरे पर बैठता है, ये तो कोई दोष की बात नहीं है। जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए तो थोड़े थोड़े दिक्कत होकर तुम बैठता है, ये तुम्हारी जीविका है, जीविका है बहुत पशुओं को बैठ करके थोड़ा थोड़ा मधु पान करके तुम्हारी चिंता में जुटते नहीं होने पर तुम जहां तहां भी फूलों पर बैठ जाते हो, तो तुम्हारे लिए ये कोई विशेष बात नहीं, किंतु उनके लिए इसलिए मधुपान पुष्प त्याग में तुम्हारा दोष नहीं देखता। किंतु देखो तो कृष्ण का नाम क्या है, मधुपति, वो तो पुष्प के लिए जाता है पुष्पों पर बैठता है मधु के लिए, और तुम्हारे जो प्रभु है कपटी पुत्र ये स्वयं मधुपति हैं, मधु का भंडार है उनके पास, तो उनको फूलों के ऊपर में जाने करने की कोई जरूरत नहीं, उनका सारांग ही मधु है, अधर सुधा अधर ही सुधा है, अलग से उनके अधर में सुधा की कोई जरूरत नहीं, उनके आंखों में भी मधु है, उनके सभी अंगों में ही मधु है, इसलिए उसको कहते हैं मधुपति, समस्त मधु आनंद माधुर्य के अधिपति और आश्रय हैं ये कृष्ण, उनका अधर ही सुधा है, सुधा में नहीं, ऐसा कोई उनका अंग नहीं है जो मधु नहीं है, वो सुधा, सुधा माने अंग, इसलिए उनको किसी भी मधु की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही बोलो तो उनको किसी जगह जाने की क्या जरूरत है, उनकी कोई कृष्णा भी नहीं है क्योंकि मधु तो उनके पास ही है, मधु तो कृष्णा कैसे हो ये संभव, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा निष्ठुर निष्ठुर है, बड़े कठोर हृदय वाले हैं, इतने दुःखशील हैं, दुःखशील मैंने क्या दूषित, शील मैंने होता है सुंदर आचार विचार, और दूषित मैंने
उनका स्वभाव क्या है? सुमन, सुंदर, जिनका मन है सरल मन है, मधुर मन है, उनको दुख दान करके ही उनको सुख मिलता है, ये उनका स्वभाव। इसलिए मधुपान के लिए जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मधु तो उनका आधार ही है, उनका सभी दुखी सब कुछ मधु है, सुधा है, अमृत है। अमृत का प्रभाव क्या होता है? गुण क्या है? जो पिएगा अमृत हो जाए। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, हम सर्व मनुष्य साध्वी हैं, हम वो प्रवण्य हैं, हमको दुख देने के लिए ही, दुख देने से उनको सुख होता है, इसलिए हम उनके सुख के पात्र हैं, हमको दुख दिए बिना उनको सुख नहीं होता। इसलिए किंतु इतना दुख देने से हम मर जाएंगे तो फिर जो दूसरा कभी नहीं मिलेगा नहीं जिसको हम दुख दे सके, कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए इनको जीवित रखना जरूरी है, जीवित रहते हुए भी मरती है, ये इनका दोष है, समझो तो। इसीलिए इसीलिए सख अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाई अपनी परम मोहनी अधर सुधाता पान उन्होंने कराया, पान कराया मैंने पाई पान करके नहीं, हमारे दूसरे मधु को पान करता है दूसरों फूलों पर, और ये क्या करते हैं, ये जबरदस्ती पान कराते हैं। Perfectly goes to this flower, this flower, this flower, and takes madhu, honey, from everywhere. But these black bamboo, big black bamboo, Krishna, forcibly gives his other sudha to others. जबरदस्ती काम करा था, क्यों? हमें दुख देने के लिए ही अपनी मोहिनी, मोहिनी माने क्या, जो हम अपने कुल को, इस कुल को, उस कुल को, सबको भूल जाते हैं, क्या करना चाहिए ये भी भूल जाते हैं, क्या अच्छा है और बुरा है इस चीज को भूल जाना ही मोहिनी का कारण है, इसको कहते हैं मोहिनी। इसलिए कहते हैं अपनी मोहिनी अगर सुधा का काम करा करके नाना प्रकार से हमें प्रलोभित करता है, उनका अधर इतना सुंदर है, उनका मुखमंडल इतना सुंदर है कि जबरदस्ती अपनी तरफ में दिखला देता है, देखो पान करो भूल भुला देता है। एक आदमी मान लिया कि कहीं जा रहा हो और रास्ते में बड़ी सुंदर ब्रजवासी का की दुकान आ जाए और देख रहा है कि सभी लोग जा बैठ करके चाट खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई रसगुल्ले लेकर के खा रहा है, तो इच्छा भी नहीं होगी, अगर रसगुल्ला देखेगा और उसकी सुगंध आएगी तो उसी खा ले। इसलिए कुत्ता क्या करता है, कुत्ता वहीं पर बैठ करके ललचाई की नजर से जीव को लपलपाते वहां पर रहता है और देखता है, इस प्रयास में रहता है हमको मिल जाए, इसलिए दोनों जहाँ फेंका था कुत्ता क्या करता है, दौड़ करके लपड़ करके जाए। तो उसी तरह से हम कृष्ण की जो का अधर है वही सुधा है, और उसको देख करके हमारी इच्छा नहीं होने पर भी हम प्रकृति बुद्धि वाली होकर के मुक्त होकर के उसके लिए अपने पति की लाज, अपने गुरुजनों की लाज, ये सब उसमें हम लोग भूल जाते हैं। इस कुल को दुष्ट उस कुल को सब इस कुल मैंने जगत का और परमात्मा हम लोग सब कुछ खो गए, हमारे पति रहने पर भी पतियों के प्रति हमारी ललता में जब उनका आदर सुधार नहीं करते और लोग इससे हमारे लोग पार्लोक दोनों बिगड़ गए। वही अदर अदर सुधार हमें मोह उत्पादन कर हमारे बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर देती है, जब बात करके पान करती है और वो जबरदस्ती पान कराता है, इसलिए ये मरने जाए, इसलिए हमें जीवित रखने के लिए वो ऐसा कर करके एक बार पर यदि हमें सुख देने
लेना उद्देश्य होता तो पुनः पुनः इसका पान करा ऐसा कुछ नहीं क्या करता एक बार एक मात्र और इसके बाद में दुख देता और मन न जाए इसलिए हम लोग विश्वधर्म में कर दी गिरावस्था में भी हम पर नहीं पाती इसको चैतन्य चरितामृत से बदला रहे ये कैसे अदा सुधा मुखी है कृष्ण अधरामृत ताते कर्पूर्ण मंदस्मित स्वमाधुर्येर हरे नाय कृष्ण का अधरामृत ऐसा है कि उनका उसमें जो मुस्कुराना है वो क्या है कर्पूर मुख मंडल का वर्णन कर स्वमाधुर्य हरे नाय अपने माधुर्य से सब का मन को हरण कर लेते हैं सबके मन को विशेष करके गोपियों के नायकों के मन को हरण कर लेते क्यों क्योंकि उनमें वो चीज है जिसके द्वारा मुक्त होती है उनमें वो भाव है जिसमें जो भाव है उसी के द्वारा वो आकृष्ट होता है कंस आकृष्ट होगा उसको देख करके अधमरण पान करेगा न दुर्योधन करेगा नारियों में भी कौन जिसके अंदर में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि है वो दूसरा नहीं महाप्रभु बड़े सुंदर है कृष्ण से भी सुंदर है किंतु वहां नवदीप के पड़ुआ लोगों के लिए है सुंदर जो उनको मारने का संकल्प कर लिया और जिसके वजह से उन्होंने छोड़ दिया इनके लिए नहीं हम लोग सुन रहे हैं यदि यही पर कोई भाव वाले कोई व्यक्ति होते वो सुनते तो क्या हो जाता ना हम वक्ता को ऐसा भाव हो रहा है और छोटा तो हो रहा है किसी को ऐसा क्योंकि भाव नहीं हमें वो हमारी भक्ति अभी निष्ठा रुचि या शक्ति तक नहीं पहुंची ना पाइले मने को ब्रजनारी बने मूल कृष्ण का अवतार जैसा है उसको देखने से ही सभी लोग भूल जाते हैं विस्मित हो जाते हैं और सब प्रकार का उनका चित्त लोभ दूर हो जाता है यही तो गोपियों का एकमात्र प्राणांत है कृष्ण अधरामृत कृष्ण गुण सुचरी सुधा सार आस्वाद विनिंदन तास्वाद देना जाने जन्मिया न के नुमे से रसना एक दिवस तो कृष्ण के इन सब के लिए लोग उत्पन्न न हो तो गोपियां क्या करती हैं तो नहीं जाता वो जन्म दे ही क्यों नहीं मर गया से रसना वो रसना क्या है एक मैंने टेन टेन जानता है क्या मेरा जैसा क्या करता करने वाली है श्रीमद् भागवत में भी इसको दिखलाया गया ऐसे ही सुरत वर्धनम तो कनातनम त्वैतवेन ना सुकुंजितम इतर राग भी स्मारणान विड़ा इतर विगण तेरा श्रीमद्भागवत में भी इसको वर्णन किया गया अर्थात सुरत को वर्धन करने वाला शोक को नाश करने वाला त्वैतवेन ना सुकुंजितम इतर राग भी स्मारणान राधिका जी खुशी को कारण कृष्ण का आधार ही मानव सुधार का तो अमृत है अमृत पान करने से लोग अमर हो जाता है इसलिए हम भी अमर हो जाए मरे नहीं किंतु हमको दुख दे इस तरह से इतना विरह ताप हमें देते हैं क्लेश देते हैं तभी हम मर नहीं पाते मन है ऐसा लगता है ये दुष्ट स्वभाव के कारण कृष्ण पहले से इन्होंने संकल्प रखा है कि एक बार थोड़ा सा काम करें
इसलिए हमें कष्ट देने के लिए एक बार मात्र दान करा है। मूल श्लोक में पाए युवा, इसको संस्कृत भाषा में निजंत धातु पढ़कर, निजंत मैंने क्या, अपने आप किसी को पान कराना, किसी को कार्य कराना, इसमें निजंत धातु होती है। क्या एक आत्मने पर और एक परस्मय पर, यहाँ पर आत्मने पर है ना, पाए युवा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इसको उन्होंने लिखा है यदि तुम ऐसा करते हो कि तुम्हारा ही कोई दोष होगा इसलिए कृष्ण ने तुमको छोड़ दिया, अन्यथा नहीं छोड़ते, इसलिए जो कुछ छोड़ने का दोष है कृष्ण छोड़ दिया, ये बात तो ठीक है, तुमको छोड़ा किसकी हो, तुम्हारे किसी को, कृष्ण इज नॉट ड्यू, बट आई थिंक दैट इट इज नॉट ड्यू टू कृष्ण, उनमें कुछ दोष होगा इसीलिए छोड़ दिया। मैं कहता हूं भ्रमण कहता है इसमें उनका दोष नहीं है, तो श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि देखो इसका उत्तर ये है, हम ब्रजवासी हैं, हमारा चरित्र कैसा है, हमारे चरित्र का सौगंध सौगंधी सौ कुमार चित्र पवित्रता, और हमें सारे सद्गुणों का उत्कर्ष हमारे है अंदर है, इसके द्वारा हमारा सुंदर मन कैसा है, अत्यंत शोभा पवित्र निर्मल हमारा मन है, इसलिए ब्रज में सभी लोग हमें आदर करते हैं, हमारा सर्वत्र ही हमारी प्रशंसा होती है, ब्रज धाम में हम लोग इसी के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बड़ी पवित्रता है। और देखो इसलिए हमें तो दोष नहीं है, अब तुम्हारे जो प्रभु हैं कैसे हैं, कृष्ण का स्वभाव तुम्हारे तरफ कमल की तरफ है, प्रमण चंपा चंचल चपल, और केवल अपना सुख मात्र देता है, उनका जो रस लेता है उनको कष्ट होता है या दुख होता है ये नहीं देता, वो क्या देता है, बड़ा स्वार्थी होता है, जघन्य स्वार्थी, ऐसे तुम्हारे प्रभु हैं, अपना ही सुख देते हैं, दूसरों का सुख नहीं देते, इसलिए उनका स्वभाव तुम्हारे ही समान चंचल स्वभाव है। जिस प्रकार से मधुकर मालती अत्यंत सुंदर उसके पुष्प होते हैं, उसमें सुगंध होती है, बड़ी कोमल होती है, तो उस पुष्प पर जाकर के उसका पान करके और पुनः उसको छोड़ देता है, कृष्ण कपट कृष्ण का ऐसा ही स्वभाव, हमें छोड़ करके कहाँ गए मथुरा में, हम मथुरा में खूब क्या गए साधारणी वहां की, और उसमें आसक्त हो गए और हमें भूल गए, अतः हम तो नहीं कहीं नहीं रुके, उनका दोष क्यों नहीं देंगे, और तुम भी तुम्हारा भी दोष है, दोनों काम दोष देखेंगे, हमने सुना है महामुनि गर्ग ने कहा है, हमने सुना है जैसा गर्ग ने कभी कहा, कृष्ण नारायण के समान देव श्रेष्ठ, हमने सुना है उन्होंने कहा, इसलिए उसमें दोष देखना उचित नहीं है, और पतिव्रता शिरोमणि स्वयं लक्ष्मी देवी भी उनके चरणों की सेवा करती हैं, तुम ऐसा कह रहे हो,
जैसे कृष्ण में कोई दोष नहीं है, और हमने भी सुना है ऐसा। और लक्ष्मी देवी भी उनकी सेवा करती है, चरण वो तो महापति प्रता है, किंतु हम लक्ष्मी नहीं है। हम लोग खूब अच्छी तरह से जानती है शास्त्र की बात और एक प्रत्यक्ष की बात है। शास्त्र जो कहते हैं अनुमान इत्यादि की बात कर रहे, और हम लोग प्रत्यक्ष क्या देख रही है, देख रही है उनके हजारों हजारों दोष हमारे आंखों के सामने हृदय में स्फुटित हो रहे हैं। वो कितने सख हैं, भूत हैं, कपटी हैं और निष्फुट, इसका हम बतला नहीं सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही कपटी कृष्ण के मनोहर वाक्यों से लक्ष्मी जी सुन करके मोहित हो गए, इसलिए उनके चरणों की सेवा करते। अथवा कृष्ण के बहुत से यदि कोई जैसे महाराज है ना, इंग्लैंड में एक महाराज थे कैन्यू, तो उनके दरबारी लोग उनकी प्रशंसा करते। एक दिन अपने दरबारियों के साथ में ये कैन्यू समुद्र के किनारे गए, चल रहे थे निकट में, तो समुद्र की बार बार लहरें आती हैं चली जाती हैं, तो दरबारी कहे महाराज आप इतने महान हैं कि समुद्र भी आपको चरणों को धोने के लिए अपनी लहरियों से हाथ बढ़ा करके आ रहा है। बड़े खुश हुए, इतने में एक ऐसी बड़ी लहर आई जो उनको गिरा दिया, घुमा करके अपनी लहर में ले जाने लगे। किंतु दरबारी लोग क्या कर रहे हैं, महाराज आप इतने महान ऐसे आपकी जो चापलूस है ये वो क्या कर रही है, तुम्हारे जैसे चापलूस लोग जो कृष्ण की चापलूसी करते हैं उनकी बात सुनकर के सब अत्यंत सरल। जो लक्ष्मी जी थी या इसने ही अपनी चाटुकारी बातें करके लक्ष्मी जी के मन को डुबा दिया, इसलिए वो उनकी चरण की सेवा करती हैं लक्ष्मी जी, किंतु हम लक्ष्मी नहीं है। याद रखना हम उनके बातों को, हम लोग दोषों को जानते हैं, वो दोषों को नहीं जानती हैं, अब कुछ दिन में हो सकता है जानेंगे। इसलिए मैं हम लोग कहती हैं कि तू भी उसका संग मत कर, यदि अपनी भलाई चाहता है तो उनके संग को छोड़ दो, अने तो हम जैसे दुखी हैं तुम भी ऐसा ही दुखी हो जाएगा। लक्ष्मी जी सरल चित्त वाली इसे परिचरत कथम तत्पाद पद्मम, पद्मा जी पद्मा तब लक्ष्मी क्यों कर रही है, पितवापि उनके हृदय को लुभा दिया है कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी चिकनी चुपड़ी बातों से, इसलिए विश्वास करके उनके चरणों की सेवा कर रही है। वो इनकी कपटता को धूर्तता को समझ नहीं पाती, किंतु हम लक्ष्मी से भी बड़ी विलक्षण बुद्धि वाली है, हमें अनुभूति है और हम वैदिक बुद्धि रखती हैं, हम बड़ी रसिक भी हैं, स्वयं दिखाता नहीं हमारे अंदर ने जब गुण प्रदान किया है, जिस समय बड़ी विचक्षण और बुद्धिमती है, हम लोग प्रत्यक्ष अभिज्ञता के द्वारा और इनके जीवन से बचपन से इनसे परिचित होने के कारण इनके दोषों को जानते हैं, इसलिए अब इनके प्रति हमारा अनुराग नहीं। तुमको भी कह रहे हैं खबरदार उस कपटी के पास, गुप्त के पास, निशु के पास में मत जाना, हमें अनुभव है, और नहीं तो हमारे जैसा तुमको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पर श्रीमती राधिका की मुक्ति में मोहिनी अदर सुधाम आई पर के द्वारा जबरदस्ती हम लोगों को अपनी मोहिनी अदर सुधा का पान करा, इसके द्वारा कृष्ण की सरलता, कृष्ण की सरलता बता रहे, और सत्य तत्व
सत्य प्रति हमें त्याग कर दिया, कृष्ण की निष्पूरता, कृष्ण की निर्दयता उसने करी है। और भावात्मक शब्द से तुम्हारे समान कृष्ण का चित्त चंचल इधर उधर, इसलिए कृष्ण की तुलना भ्रमर से कर रही हूं। भ्रमर के जैसा चंचल स्वभाव वाले यहाँ पर सूचित हुआ। और पद्मा लक्ष्मी भी उनके मधुर बातों से, अपूर्ण बातों से मुक्त होकर उनके चरण की सेवा में शून्य इस वाक्य के द्वारा लक्ष्मी की सरलता और अज्ञता वर्णन किया गया, जो अज्ञा है। और हम लक्ष्मी की अपेक्षा भी अधिक चतुर हैं, इस बात को कहा गया। इसमें कृष्ण की अकृतज्ञता और प्रेम शून्यता की बात नहीं, कृष्ण में तनिक भी प्रेम नहीं है, ये भी ध्वनि खोल रही है इस श्लोक के अंदर में। इसीलिए परिजल्द इसको कहा गया है, इसका उदाहरण ये कब होगा, जब तक कृष्ण के प्रति यश में गाढ़ा होगा कि मान नहीं होगा, और मान होने के बाद में राग अनुराग नहीं होएगा, महाभाव नहीं होगा, तब तक नहीं। महाभाव माने क्या, महाभाव उसका लक्षण क्या है, क्या है, जागृत आश्रय वृत्ति की दशा में अनुराग बढ़ करके इस प्रकार की अवस्था में जाता है जबकि स्वसंपेद दशा को प्राप्त होता है। माने क्या, कृष्ण प्रेम के विषय, इनसे बढ़कर के प्रेम का विषय कोई नहीं हो सकता। और गोपियों ने भी श्रीमती राधिका जी प्रेम की आधारशिला, इनसे बढ़कर के और कोई दूसरा पात्र नहीं। जब इन दोनों में परस्पर प्रीति होती है, उसमें दोनों का अनुराग, वो दोनों नहीं, दोनों का अनुराग बढ़ करके स्वसंवेद दशा को प्राप्त होता है। क्या माने, स्वसंवेद अपने लिए अनुभूति, किसके लिए, कृष्ण की अनुभूति का नहीं, गोपियों के अविशेष सत्य राधिका जी की अनुभूति का केवल मात्र विषय होता है, वही समझती है जो उनको कैसा दुख होता है, कृष्ण को भी नहीं। उसको कहते हैं स्वसंवेद। कैसे मालूम होता है दूसरों को, अष्टसात्विक भावों के विकार के द्वारा, अन्यथा उनको नहीं समझा जाए। इतना ही उच्च कोटि का ये सब अष्टसात्विक भाव होंगे, उतने ही ये समझे जो उन्नत कोटि का उनका ये है अनुराग है। किंतु वो तो ऊपर से तटस्थ भाव की तरफ भीतर के प्रेम को कैसे देखेगा। कृष्ण इसी तरह से उनके इस अनुराग को कल्पना करते हैं, उनके अष्ट सात्विक भावों को देख करके, किंतु समझते नहीं ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो महाभाव का, वो जो रूप भाव का, माधव का जो भाव है अनुराग का, वो उनमें नहीं। इसलिए है किसमें, सचिनंदन लोभ में ये। जब कृष्ण राधा भाव से युक्त होते हैं तब तो ये समझेंगे ये सब चीजें, राधा भाव से युक्त होकर के कृष्ण ही तब तो सचिनंदन है। और जब सचिनंदन कृष्ण की भाव राधा जी के भाव से अलग होते हैं तो तब फिर वो कृष्ण रह जाते हैं, वो कुछ नहीं समझे। राधा जी के भाव के साथ में इस चीज को समझो, जब कृष्ण राधा जी के भाव से युक्त होते हैं तब तो इसको समझेंगे ये सखी लोग चैतन्य महाप्रभु। आज जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से रहित हो जाते हैं तो वही कृष्ण बन जाते हैं। बहुत ही गंभीर बात है, इसमें और भी संतोष
राधिका जी के, राधिका जी के भाव के साथ में कृष्ण है, तो उस समय राधिका जी कहाँ है? कहाँ है? गदाधर के रूप में तो है, तो गदाधर प्रभु की क्रिया क्या है उस समय? चुपचाप नीरव के रूप में, उनका भाव लेने से भी इनका भाव तो खत्म हो गया, ये मत समझो ये भाव शून्य हो गए। उन्होंने उनके जैसा भाव लिया है, किंतु उनका भाव पर शून्य है, किंतु ये तटस्थ होकर के देख रहे हैं कैसे, जैसे ये क्या कर रहे हैं, किंतु उस समय कोई क्रिया नहीं। कैसी उनकी क्रिया है? अत्यंत विनी अत्यंत सरल, और सब समय कृष्ण की इच्छा के अनुकूल काम करता है। उपास्य यहाँ पर उपासक हुए हैं, उपास्य कौन है? कृष्ण महाप्रभु के रूप में वो क्या हुए हैं? उपासक हुए। अच्छा, उपासक कौन यहाँ पर आता है? और वही है गदाधर पंडित, किंतु अब उपासक क्या कर रहा है? तटस्थ होकर के उनको देख रहा है, हमारे भाव को कैसे क्रिया नहीं कर रहा है। लो मैया,